तो गाइस क्या आप लोगों को पता है नहीं क्या हमारे फ्री फायर गेम के अंदर जो एक्सचेंज स्टोर होता है, मतलब नॉर्मल एक्सचेंज स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ रैंक एक्सचेंज स्टोर की। हाँ, वही एक्सचेंज स्टोर जिसमें अगर हम लोग रैंक के जो टोकन्स होते हैं उसको एक्सचेंज करें तो हम लोग आइटम्स मिलते हैं, मतलब कुछ भी आइटम्स में तो आपको पता ही होगा क्या क्या आता है। हाँ, तो इस रैंक के एक्सचेंज स्टोर में एक ऐसा ग्लिच है जो कि 99 बंदों को पता ही नहीं है एंड बाकी बचे 1% बंदों में मैं अकेला आता हूँ। एंड इस ग्लिच को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना क्योंकि आगे का ये छोटू बताएगा। तो हाँ भाई लोग, क्योंकि फ्यूजी भाई के इसी चैनल पे फ्री फायर से रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आते रहते हैं, सो याद से ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अरे छोटे, एक बात बताना तो तू भूल ही गया कि हमारे इंस्टाग्राम पे भी अस्तित्व है, तो जाकर हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग डेली पोस्ट अपलोड करते रहते हैं, सो याद से फॉलो कर देना। सो नाउ इस ग्लिच के अंदर होता कुछ ये था कि अगर हम लोग इस एक्सचेंज स्टोर के अंदर ये जो आइटम्स है इसके ऊपर अगर हम लोग बार बार लगातार ऐसे टैप करें तो स्क्रीन के ऊपर जो स्टोर होता है उसका कुछ ऐसे ग्लिच सा हो जाता है। देखा ग्लिच देखा? अरे वहां कहां देख रहे हो यार, यहां देखो, यहां है ग्लिच। एंड गाइस पता नहीं ये कैसा सा ग्लिच है, ये सिर्फ इन दो आइटम्स पे ही वर्क करता है, मतलब इनको डबल टैप करने के बाद ही वर्क करता है। जो ऊपर वाली रो के अंदर जो आइटम्स है उनको टैप करने के बाद भी ये ग्लिच नहीं होता, जो नीचे वाली रो है उनके टैप करने के बाद भी ऐसा ग्लिच नहीं होता। पता नहीं यार क्या है, आखिर करना चाहती है। आई थिंक इस चीज का रीजन ये हो सकता है कि ये जो आइटम्स है दो ये हमें हेरिक जाने पर ही मिलते हैं, मतलब हम हेरिक जाने पर ही इसे एक्सचेंज कर सकते हैं, शायद से ये रीजन हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर। ओके, वैसे लाइक एंड सब्सक्राइब की बात भूलना मत, वैसे फॉलो की बात भी मत भूलना, तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो।